मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम ने उनके आवास पर जाकर उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद रात 9 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी आक्रोश में है और लगातार विपक्षी दलों पर हमला बोल रही है। वहीं केजरीवाल के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले कुछ बड़े नेताओं ने भी इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। दरअसल जिस समय केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उसी दौरान विश्वास ने ये पोस्ट किया था कि भगवान के सामने नतमस्तक वाली तस्वीर लगाते हुए कुमार विश्वास ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। आम आदमी पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत भूषण ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को हैरान करने वाला बताया। उन्होंने लिखा, विडंबना है कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के जरिए भाजपा के अपने बाउंसेस के लिए कॉरपोरेट से धन उगाही करने वाली ईडी के जिन अफसरों की जांच होनी चाहिए और केस चलना चाहिए, पिछली रात चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को बिना किसी दस्तावेजी सबूत के गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी निंदनीय है। ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं इस बात से बहुत परेशान हूं कि अरविंद केजरीवाल जो मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब शराब नीतियां बना रहे हैं। मुझे ये सब जानकर बहुत दुख हुआ है, लेकिन सत्ता के आगे हम क्या कर सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी अपने ही कर्मों से हुई है। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में शामिल योगेंद्र यादव ने लोकतंत्र की मर्यादा का हवाला देकर गिरफ्तारी का विरोध किया है। मतभेदों के कारण पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव ने लिखा, राजनीतिक सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा सर्वोपरि है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मर्यादा का चीरहरण है। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड घोटाले में पूरी केंद्रीय कैबिनेट को जेल में होना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय को इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। भाजपा का दामन थाम चुकी शाजिया इल्मी कभी अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी नेता रही थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अन्ना आंदोलन का जिक्र करते हुए निशाना साधा। इल्मी ने मीडिया से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। कौन सोच सकता है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था, भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वाज रचा था, जिसने कहा था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन तीसरी बार का मुख्यमंत्री बनकर शराब घोटाले में इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा। लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है।